आज से कुछ दशक पहले तक 13-14 साल की लड़कियां जो देखने में ऐसी लगती थी, आजकल उसी एज की लड़कियां ऐसी हो जा रही है। पर आखिर लड़कियां इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो रही है? अगर मैं आपको कहूँ कि इसका कारण ये प्लास्टिक बॉक्स है जो इनके लिए जानलेवा हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको पता होगा, एक चाइल्ड बॉडी कई फिजिकल चेंजेस से गुजरकर एक एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होती है, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। 1860 में ये प्यूबर्टी एज लड़कियों में था करीब 16 साल और पिछले 50 सालों में ये कम होकर हो गया 9 से 13 साल। पर आजकल शहरों में ये प्यूबर्टी 8 साल से पहले ही बच्चियों में शुरू हो रही है, जिसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में आप एक क्लास 5 में और कॉलेज में पढ़ रही लड़की को देखकर अंतर नहीं बता पाएंगे। पर आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। अर्ली प्यूबर्टी के कारण बड़े होने के बाद लड़कियों में कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव सेल्फ इमेज, इवन सुसाइडल टेंडेंसी। साथ ही लड़कियों का हाइट अपनी जेनेटिक हाइट तक पहुंचने से पहले ही बढ़ना बंद हो जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, लड़कियों में ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, यहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर का भी एक मेन कारण बन सकता है फ्यूचर में। और इवन लड़कों में भी टेस्टिकुलर कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही कम एज में सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है, पर उनका साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी बच्चे जैसा ही रहता है, इसलिए बच्चियां मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होती इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए, और इससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पर आखिर अर्ली प्यूबर्टी का कारण क्या है और कैसे हम इसे रोक कर अपने बच्चों को एक स्वस्थ और सेफ फ्यूचर दे सकते हैं, आइए जानते हैं। अर्ली प्यूबर्टी का पहला कारण बीपीए। बिस्फेनॉल ए एक केमिकल है जो हार्ड प्लास्टिक्स में पाया जाता है, जैसे वाटर बॉटल, बच्चों के मिल्क बॉटल, टिफिन बॉक्स या एनी प्लास्टिक कंटेनर्स। इवन पैकेज फूड कंटेनर्स में भी ये यूज होता है एज ए फूड प्रिजर्वर, जो हमारे शरीर में कई सारी खतरनाक बीमारियां पैदा करती है रेगुलर कंज्यूम करने से। और लड़कियों में इसके कारण अर्ली प्यूबर्टी होती है। यूरोप जैसे कई देशों में बच्चों के प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह बनाने में डीपीए यूज करना बैन है, और बड़ों के लिए भी सेफ लिमिट तक रखने का रूल है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए आप ग्लास, मिट्टी, पीतल या स्टील से बनी बर्तनों का यूज करिएगा। सेकेंड रीजन, फ्लोराइड। यूएसए में रूल है कि सभी फ्लोराइड कंटेंट प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट पर ये वार्निंग लेवल होनी चाहिए कि कोई भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल ना करे, और इनकेस आप इसे निगल लेते हैं तो तुरंत पॉइजन कंट्रोल सेंटर कॉन्टेक्ट करिए। ये फ्लोराइड इतना खतरनाक है, और बड़े भी यूज करे तो एक गेहूं का दाना जितना बड़ा होता है उतना ही क्वांटिटी यूज करिएगा। पर इंडिया में हम बच्चों को भी इसी से ब्रश कराते हैं, और वो भी ब्रश भर के, और ये फ्लोराइड अर्ली प्यूबर्टी का एक बड़ा कारण है। तो जितना हो सके दतमंजन या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करिएगा। थर्ड रीजन, काउ मिल्क। आरबीएसटी और ऑक्सीटोसिन दो ग्रोथ हार्मोन है जिन्हें काउ में इंजेक्ट किया जाता है ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। डायरी इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा होने के कारण फार्म एनिमल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में ये हार्मोन्स इंजेक्ट किया जाता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। 2018 में गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन मैन्युफैक्चरिंग और यूज पर बैन लगाया था, क्योंकि ये एनिमल्स की लाइफ स्पैन को बहुत कम कर देती है, और ये मिल्क इंसानों में कई बीमारियां पैदा करती है। ये दूध पीने से लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी होती है। फोर्थ रीजन है कॉस्मेटिक्स। 2026 तक दुनिया में चाइल्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का मार्केट $1.7 बिलियन का हो जाएगा। आजकल बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया और बड़ों को कॉपी करके मेकअप करते हैं, और हमें यह सब बहुत क्यूट लगता है, पर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटरडेम ने 200 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया और पाया कि करीब 50% जितने भी फाउंडेशन, आई या लिप प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लोरीन मौजूद है। यह सब केमिकल्स हैंड टू माउथ मूवमेंट के कारण गर्ल्स के शरीर में चली जाती है, और अर्ली प्यूबर्टी उन्हें फेस करना पड़ता है। और सिर्फ बच्चे नहीं, उनके मदर के कारण भी ऐसा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्चर 20 सालों तक स्टडी करके पाया कि वुमेन जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा कॉस्मेटिक, सोप वगैरह यूज करते हैं, उनके शरीर से भी बच्चों के बॉडी में ये केमिकल्स जाने से बाद में ये प्रॉब्लम्स होती है। फिफ्थ रीजन है सॉफ्ट ड्रिंक्स। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च से पता चला है कि अगर गर्ल्स हर दिन 1/2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक, लेमोनेड, आइस टी या कोई भी हाई शुगर कंटेंट ड्रिंक कंज्यूम करती है एक्सेप्ट फ्रूट जूस, तो इससे अर्ली प्यूबर्टी तो होगा ही, साथ में हर साल ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस 5% के रेट से बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्यादा शुगर और मीट फैट कंज्यूम करने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो प्यूबर्टी पर इफेक्ट डालता है। हाल ही में कोरियन लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी एक बड़ी सोशल इश्यू है।
है, जिसका मेन कारण माना जाता है बच्चों को खिलाया जाने वाला पैकेज फॉर्मूला फूड्स और हाई शुगर कंटेंट पैकेज फूड। इसलिए कम उम्र के बच्चों को सिर्फ माँ का दूध दीजिए और घर का खाना खिलाइए। रीजन नंबर 6, हाई मीट कंजम्पशन। ज्यादा मात्रा में एनिमल फैट कंज्यूम करने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है। साथ ही आजकल पोल्ट्री फार्म में कई सारे आर्टिफिशियल हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है, ताकि एनिमल्स में कोई बीमारी ना हो और वो जल्दी से बड़ी हो जाए, जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और यही हार्मोन्स मीट द्वारा हमारे शरीर में जाकर अर्ली प्यूबर्टी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसलिए आप मीट कम दीजिएगा बच्चों को, वेजिटेरियन डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। रीजन नंबर 7, सोशल मीडिया। जब बच्चे ज्यादा एडल्ट कंटेंट देखते हैं तो वो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर डालता है, जो स्टिमुलेट होने से सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम एज में ही प्रोड्यूस होने लगती है। इसलिए कोई भी एडल्ट कंटेंट इंटरनेट पर, मैगजीन या टीवी पर बच्चों को देखने मत दीजिएगा। और आजकल इंटरनेट पर कोई भी एडल्ट कंटेंट देखना कितना आसान है ये तो आपको पता ही है, इसलिए इन चैनल्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखिएगा। लास्ट रीजन, फास्ट फूड एंड ओबेसिटी। रिसर्च से पता चला है कि बच्चे अगर हर दिन 2 बार से ज्यादा जंक फूड जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, कोई भी पैकेज फूड्स वगैरह खाते हैं, तो 6-7 साल के एज में ही प्यूबर्टी शुरू हो सकती है। इसके अलावा शरीर में एक्सेस फैट के कारण, मतलब मोटापे के कारण भी एस्ट्रोजन और इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बच्चों को अर्ली प्यूबर्टी फेस करना पड़ता है। यह ध्यान दीजिए, ये अर्ली प्यूबर्टी ज्यादातर शहरों में ही देखने को मिलती है, गाँव में नहीं, क्योंकि जब से इंडिया में हम लोगों ने वेस्टर्न फूड कल्चर, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, पैकेज फूड्स वगैरह अपनाया है, तब से ही ये सब दिक्कतें शुरू हुई है। और यूएस जैसे देशों में ऑलरेडी ये एक बड़ी दिक्कत है, इसलिए कोरिया में भी इस वेस्टर्न फूड कल्चर के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए कोशिश चल रही है। इसलिए बच्चों की फ्यूचर अब पेरेंट्स के ऊपर है। आपको क्या करना है मैंने पहले ही आपको हर पॉइंट में बता दिया है। एक लाइन में फिर से समराइज कर देता हूँ। प्लास्टिक कंटेनर्स के बदले ग्लास, मिट्टी या पीतल के बर्तनों का यूज करिए। बच्चों को टूथपेस्ट के बदले दतमंजन दीजिए। ट्रस्टेड जगह से दूध खरीदिए जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह यूज नहीं करते। कॉस्मेटिक्स से दूर रखिए। हाई शुगर कंटेंट ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पीने मत दीजिए। ज्यादा वेजिटेरियन डाइट के ऊपर फोकस करिए। उन्हें एडल्ट कंटेंट से दूर रखिए। फास्ट फूड जितना हो सके अवॉइड करिए और मोटापा आने मत दीजिए। बाहर रोज 1-8 घंटे के लिए खेलने भेजिए। तभी हम अपने बच्चों को फ्यूचर में कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसे जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। जब स्वस्थ जीवन ही ना रहे तो पैसा का क्या करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स जो हमारे जिंदगी को और बेहतर कर सके, आसान भाषा में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।